हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी गेट 2022 क्वेश्चन नंबर 46 से, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 45 तक ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ एटलीस्ट उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 46 से जो स्टार्ट करते हैं, आईआईटी गेट इकोनॉमिक्स 2022। तो 46 क्वेश्चन नंबर में आपको दे रखा है कि सपोज एन इकोनॉमेट्रिशियन हैड स्पेसिफाइड द फॉलोइंग रिग्रेशन, ठीक है। आपको एक रिग्रेशन दे रखी है, दैट इज वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू जेड टू टी प्लस बीटा थ्री जेड थ्री टी प्लस बीटा फोर जेड फोर टी प्लस ई टी इरा टर्म, बट द रिसर्चर एस्टिमेट द फॉलोइंग रिग्रेशन, ठीक है। तो अब जो ए रिग्रेशन को जो है मिलता है, दैट इज बीटा वन प्लस बीटा टू जेड टू टू टी, सेम चीज़ है यहाँ तक तो, सेम है यहाँ तक सेम है, बट यहाँ पे ऐड क्या हो गया, जेड फाइव टी जो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया आफ्टर द रिसर्चर, ठीक है। रिसर्च करने के बाद जो है फाइव जेड टी जो है इसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो आपको बताना है कि विच विल बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ इंक्लूडिंग द इररेलीवेंट वेरिएबल ऑन द एस्टिमेटेड कोफिशियंट, ठीक है। इररेलीवेंट वेरिएबल कौन सा, ठीक है, ऑन द एस्टिमेटेड कोफिशियंट। तो एक बात हर हमेशा याद रख लेना है कि जितनी ज़्यादा वेरिएबल बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा वेरियंस होने की चांसेस बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेरिएबल उतनी ही ज़्यादा वेरियंस। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो एस्टिमेटेड है अब वो मेरा एफिशियंट नहीं होगा, इनएफिशियंट जो है रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक्स्ट्रा एड हो चुका है आफ्टर द रिसर्चर एस्टिमेटेड, ठीक है। तो जिसके कारण जो हमारा मॉडल है अब ये जो है इनएफिशिएंट रिजल्ट जो है देगा। तो आप ध्यान से देखना कि ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, ठीक। तो बी में जो है एफिशिएंट के बारे में टॉक किया गया, यहाँ पे भी एफिशिएंट के बारे में टॉक किया गया, यहाँ पे भी जो है एफिशिएंट के बारे में बताया गया। तो बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंट एफिशिएंट एफिशिएंट। और अभी हम पढ़े कि अगर वेरिएबल अगर बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐड हो चुका है आफ्टर द रिसर्चर, ठीक है, आफ्टर द रिसर्चर एस्टिमेटेड, तो वेरियंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब वेरियंस ज़्यादा हो गया तो मेरा मॉडल जो है वो करेक्टली एस्टिमेटेड नहीं कर पाएगा, मतलब वो इनएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो है इनएफिशिएंट के बारे में कहा गया है, सो दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है, ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। या 47 क्वेश्चंस, ओकन्स लॉ सेज दैट कि अगर 1% अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो 2% जो है डिक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी में जो है 2% की डिक्रीजेस होती है। सपोज एन इकोनॉमी हैज़ अ फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन, ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व्स दे रखी है, ठीक है, ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व्स आपको दे रखी है, that is pi is equal to pi e, that is the estimated inflation minus beta u minus the natural level of unemployment, or beta jo hai greater than equal to zero, where pi and pi e are the inflation and that is the expected inflation आपको दे रखा है, u and un, u मेरा क्या है unemployment और un क्या है मेरा natural level of unemployment, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। beta का value भी जो आपको 2 दे रखा है, आपसे पूछ रखा है कि व्हाट परसेंटेज डज आउटपुट फॉल, ठीक है, व्हाट परसेंटेज डज आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन दैट द इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर दिस 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 दिस, ठीक है, सब वैल्यू आपको दे रखा है, जस्ट आप पुट करें इस ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व्स पे, ठीक है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमें दे रखी है कि दैट इज पाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस बीटा यू माइनस यू एन, ओके, और दैट इज अ वैल्यू ऑफ 0.8, ठीक है, परसेंटेज में है, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कितनी दे रखी है 0.10 माइनस बीटा का वैल्यू 2 दे रखा है, यू माइनस यू एन, यू एन कितना 0.6, ठीक है, सब दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको u का वैल्यू मिलेगा कितना 0.7 आएगा, ठीक है, u का वैल्यू 0.7, ये आपको आएगा कितना, ये वाला आएगा आपको कितना 0.7, और un ऑलरेडी आपको दे रखा है दैट इज 0.6, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस है, दैट इज 1%, 1% का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 1% अगर
अगर डिक्रीज होता है या फिर अगर 1% बढ़ता है तो जीडीपी जो है मेरा उसके जस्ट नेगेटिवली जो है इंक्रीज डिक्रीज होता है 2% से। फर्स्ट यहाँ पे देखें ध्यान से कि अगर 1% अगर हमारी इंक्रीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट पे तो 2% से हमारी डिक्रीज होगी जीडीपी पे। तो हम जब इस फॉर्मूलाज पे जब इस ऑगमेंटेड फ्लिप कर्व पे जब मैंने सारे वैल्यूज को पुट किया और पुट करने के बाद मुझे यू की वैल्यू 0.7 मिली, ठीक है। और यू की वैल्यू जब 0.7 मिली और हम इस फॉर्मूला दैट इज ऑगमेंटेड पाई ई माइनस बीटा, यू का वैल्यू कितना 0.7 माइनस और नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना 0.6, तो कितना का गैप है दैट इज 1% ना, ठीक है। और जब 1% से अगर जब इंक्रीज होंगे तो मेरा जीडीपी कितने परसेंट से फॉल होंगे, 2% से, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा दैट इज ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वही आपको निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आउटपुट फॉल, कितने परसेंट से आउटपुट फॉल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए हम लोग 48 की तरफ मूव करते हैं। लेट एफ एक्स विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स वेयर द एफ एक्स इज इक्वल टू दिस 5x^4/64 और एक्स कहाँ से लाइज करता है -2 to 2, ठीक है, -2 से लेकर 2 तक, और अदरवाइज जो उसकी वैल्यूज एफ एक्स की 0 रहती है। तो आपको बेसिकली निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, ये आपको निकालनी है मॉड एक्स लेस देन 1 की क्या वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। जब भी आपको लेस देन, तो ये मेरा एक्चुअली क्या है, CDF फंक्शंस, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आपको ये बताती है कि अप टू दैट पॉइंट, ठीक है, मान के चलो यहाँ तक। तो अगर हमको इस पॉइंट का अगर CDF निकालना है, सपोज दिस पॉइंट इज 7, तो यहाँ तक का समेशन क्या है, ठीक है, ये सारे समेशन हमें क्या बताती है, CDF मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 7, तो दिस इज आवर CDF फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी लेस देन है तो लेस देन में क्या CDF जो है यूज होगा, और एट ए डिस्क्रीट पॉइंट पे जब अगर आप निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं PDF, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूस रहा है या फिर डिस्क्रीट के बेसिस पे हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन है, तो हम समझ गए कि मेरा ये जो है CDF फंक्शन है, मतलब कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में अगर कॉन्टीन्यूस रहता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे निकालना कितना मॉड एक्स लेस देन माइनस वन, ठीक है, मॉड एक्स लेस देन माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वन से लेकर वन तक जो है लाइज करता है, ठीक है, माइनस वन से लेकर वन। तो जस्ट अब मैं इसको तोड़ दूंगा, माइनस वन टू जीरो दैट इज 5x^4/64 प्लस वन सॉरी जीरो टू वन 5x^64 dx, ठीक है, यहाँ पे भी dx। तो जस्ट इसको सिंपल इंटीग्रेशंस करना है, ठीक है, जस्ट इसको सिंपल इंटीग्रेशंस को करते हैं। 5/64 मेरा कॉमन आ गया 5/64, और यहाँ पे मेरा जब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x^4 का क्या होगा, x^5/5 लिमिट फ्रॉम 1 to 0 प्लस सेम दिस 5/64 x^5 फ्रॉम 0 to 1। जस्ट इसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसका वैल्यूज आपको मिलेगा 1/32। तो 1/32 कहाँ पे है, दिस पॉइंट, दिस ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए, या फिर अब इसको भी जो है निकाल सकते हैं, बट देर इज नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज बिकॉज ऑलरेडी हमें मिल चुकी है कि 1/32 है इसका, और ऑप्शन में जो है यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 1/32 यहाँ है, तो मेरा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतनी याद रखनी है कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखी है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 5x^4/64 और x जो है लाइज करती है -2 से लेकर 2, और यहाँ पे जो है मेरा इनइक्वालिटी की साइन है। और जब भी इनइक्वालिटी का साइन रहे तो हमें समझ जाना है कि ये मेरा कौन सा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF है, और जब भी CDF
अगर आप देख लिए तो तुरंत माइंड पे आपका आ जाना चाहिए कि हम जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो है इंटीग्रेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो मैंने जस्ट मॉड एक्स, अब हमें पूछा गया है कि मॉड एक्स लेस देन वन, तो जब इसको मॉड एक्स को अगर हम लोग ओपन किए तो उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस वन से वन। अब हम लोगों ने इसको बांट दिया कि एक्स जब माइनस वन से लेकर जीरो में क्या होगा और प्लस जीरो से लेकर वन तक क्या होगा, ठीक है, जस्ट इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो उसको सॉल्व किया तो इसका आंसर 1/32, और 1/32 मेरा ई ऑप्शन से मैच कर गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 49 में क्या बता रहा है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है मेनली बी है, रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट में ही जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज आता है, ठीक है। कॉल मनी रेट एंड मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि बेसिकली ये आपको एक मार्जिन के बारे में बताता है, ठीक है, कि बैंक को कितने परसेंट अपने पास रखना चाहिए, ठीक है, या फिर कितने परसेंट जो है लोगों को इतना मार्जिन पे लोन देना चाहिए। तो मतलब एक बेसिकली मार्जिन्स के बारे में जो ये बताता है, कॉल मनी रेट और दैट इज द माइबोर, MIBOR, ठीक है, ऑप्शन ए इज गॉन। और बैंक रेट एंड स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बैंक रेट आपको क्या बताती है, वो रेट जो RBI लैंड करते हैं बैंक को फॉर द लॉन्गर टर्म्स के लिए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा बैंक रेट गॉन। SLR भी तो नहीं होगा क्योंकि SLR जो है वो बेसिकली बताते हैं कि परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट विच द बैंक्स मस्ट हैव इन कैश और द गोल्ड और एनी अदर फॉर्मेट, ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन। कैश रिजर्वेशन प्राइम लैंडिंग रेट, नो। CRR जो है बेसिकली कैश परसेंटेज बताता है द डिपॉजिट दैट बैंक कीप्स विद RBI, ठीक है, और प्राइम लैंडिंग रेट वो रेट होती है ऑन लोन्स टू द हाइएस्ट क्रेडिट बोरोअर्स को जो है दिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन कौन, सो द ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके। वट इज द वेटेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेक्टर इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IPP ड्यूरिंग 2022 से लेकर 2021, वट इज़ द वेटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या वेटेज था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन द IIP ड्यूरिंग 2020 से लेकर 21 तक, तो इसका ऑप्शन ए 78% जो था, ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। The curve that explain the relationship between the tax rate and the tax revenue. ये जो है tax rate, this is the tax rate and this is the tax revenue. Okay, इसके जो relationship, एक curve आता है ना इस type का, this is a curve, ठीक है, कि हम लोग अगर इतना टैक्स रेट अगर रखेंगे मैक्सिमम तो हम लोग इतना मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बट अगर जैसे जैसे इसके बाद अगर इसके पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर हम लोग टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो हमारा रेवेन्यू जो है घटने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे अप टू दिस पॉइंट एक इधर दैट इज ऑप्टिमल पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो रेवेन्यू क्या मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, ठीक है, और बेसिकली इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लाफर कर्व, ओके, दैट इज लाफर कर्व, और लाफर ने ही जो है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था, सो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन बी इज नॉट राइट, क्योंकि ऑप्शन बी एंजल कर्व जो है आपको एक रिलेशनशिप बताता है इनकम और एक्सपेंडिचर का ऑन अ पर्टिकुलर कंजम्पशन गुड के बारे में, तो ऑप्शन बी गॉन, ठीक है, ये भी ऑल्सो गॉन, क्योंकि ये आपको बताती है जॉब वैकेंसी रेट कितनी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी ऑल्सो गॉन। फ्लिप कर्व्स, तो यार ये तो ऑलवेज गॉन, क्योंकि ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, तो 51 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। 52, सपोज द एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एन इकोनॉमी
सी इज इक्वल टू 40 प्लस बीटा वाई डी, वेयर द वाई डी इज अ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. वाई डी जो है मेरा क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम. ओके, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम माइनस आफ्टर टैक्स, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. तुम्हारे पास कितने डिस्पोज हुआ आफ्टर द टेकिंग ऑफ आफ्टर गिविंग टैक्सेस. ओके, बीटा इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एम पी सी. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन एज 90, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखी है 90 है. टोटल टैक्स जो है इज रिसीव डेल्टा वाई, वेर वाई इज एग्रीगेट आउटपुट ऑन द रियल इन और द रियल इनकम एंड डेल्टा इज द टैक्स और द इनकम प्रोपोर्शनल फैक्टर्स एंड द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई ए इज गिवन एज 80. वॉट द टैक्स रेवेन्यूज एंड द बजट सरप्लस ऑफ द गवर्नमेंट वेन द बीटा इज इक्वल टू 0.75 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.20. ऑल यूनिट्स आर मेजर इन अ कॉन्स्टेंट रुपीज. ठीक है, कॉन्स्टेंट रुपीज में आपको दे रखा है सब कुछ, आपको सब यूनिट वगैरह आपको दे रखा है. ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है इसको. ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखो. y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई प्लस जी, दैट इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन फॉर द एनी इकोनॉमी. ठीक है, दैट इज द सप्लाई साइड, दैट इज द डिमांड साइड, एंड व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, दैट इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. सो ये मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन बता था ना, y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी. ओके, सो अब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 40 प्लस 0.75 yd प्लस i प्लस g लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. ठीक है, ओके, तो अब मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दूँ. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, सो y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75 इंटू वाई डी. वाई डी क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम क्या होता, टोटल इनकम माइनस टैक्सेस. टैक्सेस हम लोगों ने कितना है, डेल्टा वाई और डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0.2. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.2 वाई लिख सकता हूँ. ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितनी दे रखी है, 90s. ठीक है, तो जस्ट इसको आप रीअरेंज करके जब वाई का वैल्यू निकालोगे तो वाई का वैल्यू आपका आएगा 525. ठीक है, 525 आपका वाई का वैल्यू आएगा. और जब वाई हमको निकल गया तो हम टैक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट किस पे लगाती है, इनकम पे, दैट इज वाई. ठीक है, और वाई का वैल्यू मेरा कितना है, 525. और कितने रेट से लगाता है, कितने रेट से, दैट इज 0.2. सो द टोटल टैक्स, दैट इज 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके वैल्यूज आएंगे आपको 105. ठीक है, तो टैक्स गवर्नमेंट को कितना मिला, 105. ठीक है, 105 गवर्नमेंट को टैक्स मिला, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, जी का वैल्यू कितना है, 90s. गवर्नमेंट 90s खर्च किया, तो इसके पास कितना सरप्लस बचा, दैट इज 15. ठीक है, 15 जो है इसका सरप्लस बना. सो द सरप्लस इज 15. ओके, सरप्लस इन 15 एंड द टोटल टैक्स इज 105. ओके, टोटल टैक्स इज 105 एंड द सरप्लस इज 15. सरप्लस कैसे निकालें, गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स माइनस जी. ठीक है, और टोटल टैक्स का वैल्यूज क्या होता है, टी इंटू वाई, टैक्स रेट इंटू इनकम. कितना इनकम है, टैक्स आखिर में किस पे लगता है, पर्टिकुलर इनकम में ही तो टैक्स लगता है, दैट इज टी इंटू वाई. तो जस्ट हम लोगों ने इस वैल्यूज को पुट किया और हमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट मिल गया. सो फॉर द 52 क्वेश्चंस जो है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर. ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. 53 आपको बोल रखा है कि कंसीडर अ टू पीरियड कंजम्पशन मॉडल इन विच अ रिप्रेजेंटेटिव हाउसहोल्ड्स लिव्स फॉर टू पीरियड्स ओनली. इन पीरियड वन ही अर्न अ इनकम वाई वन एंड कंज्यूम सी वन. ठीक है, जब
वो इनकम जब इस इन इन पीरियड वन, जब अगर वो पीरियड वन पे होता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन, ओके, ये पर्सन जो है इस पर्सन को दो पीरियड्स में बांट दिया गया, एक पीरियड वन दूसरा पीरियड टू। पीरियड वन में जो है इसकी इनकम होती है कितनी, वाई वन, और इस इनकम पे ये कंज्यूम करता है सी वन, ठीक है, इनकम वाई वन सी वन। इन द पीरियड टू ही अर्न वाई टू एंड कंज्यूम सी टू। ही कैन बोरो एंड लैंड एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। हिज लाइफ टाइम यूटिलिटी फंक्शंस आपको दे रखा है एल एन सी वन प्लस बीटा एल एन सी टू। बीटा क्या है, वो सेंसिटिविटी को ना मीजर्स करता है ऑफ फ्यूचर पीरियड कंजम्पशंस, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ द फ्यूचर पीरियड मतलब बीटा जितनी ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा वो फ्यूचर्स कंजम्पशन जो है किसी भी पर्टिकुलर गुड का ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो बीटा सेंसिटिविटी को जो है मेजर्स करता है। तो हमें बतानी है कि व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ अ करंट कंजम्पशन दैट इज डेल्टा सी वन बाय डेल्टा वाई वन, ओके। तो चलो इसको करते हैं हम लोग, ओके ओके, सो लेट्स मूव, ओके। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपका इंटर टेम्पोरल से रिलेटेड है, और इंटर टेम्पोरल में हम जानते हैं कि जो मेरा बजट कंस्टेंट होता है दो पीरियड का वो क्या होता है, दैट इज सी वन प्लस सी टू बाय वन प्लस आर इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय वन प्लस आर। भाई अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन आपको आया सपोज कि मैं हूँ, ठीक है। सपोज वही एग्जाम्पल जो था ये जो मैंने दिया था आपको, दिस पीरियड, तो ये कंज्यूम कर रहा है, ये पीरियड टू है और ये पीरियड वन है। सपोज कि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ पीरियड टू में, दैट इज सी टू, सी टू यूनिट ऑफ गुड जो है मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, और उस वक्त जो है मेरा इनकम कितना था, वाई टू इनकम था, दैट इज वाई टू इनकम। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा पीरियड वन में जो है बचा हुआ इनकम था, तो सपोज मेरा कितना इनकम बच गया था, दैट इज वाई वन माइनस सी वन, ये मेरा सेव इनकम, और इस सेव इनकम को जो है मैंने बैंक पे दे दिया था और बैंक ने मुझे इंटरेस्ट एट आर से जो है दिया, दैट इज अब मैं यहाँ पे इंटू कर सकता हूँ वन प्लस आर, वन प्लस आर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस, ये तो मेरा पीरियड टू का था, प्लस अब मैंने जो सेव करके रखा था उस सेव में हमको इंटरेस्ट रेट मिला आर से, दैट इज वन प्लस आर। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ वन प्लस आर वाई वन माइनस सी वन। जब आप इसी को ही रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करके आपको इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने वही चीज लिखा है, सी वन प्लस सी टू बाई वन प्लस आर इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई वन प्लस आर। ये बजट कंस्टेंट की इक्वेशंस होती है दो पीरियड में, ठीक है, और ये चैप्टर आपका रिलेट करता है कहाँ से, इंटर टेम्पोरल से, ठीक है। तो ये आपको बजट कंस्टेंट याद होनी चाहिए, ओके ओके सो ओके। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो मेरी यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, एल एन सी वन प्लस एल एन सी टू, ओके। और मैंने बताया कि सी टू का वैल्यू क्या है, दैट इज ऊपर में जो है ये वाला ये वाला ये वाला सी वाई टू प्लस वन प्लस आर इन टू वाई वन माइनस सी वन, ठीक है, वही चीज सेम चीज सेम चीज, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, सेम है, बस इसको रीअरेंज करके मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू एल एन सी वन प्लस एल एन सी टू। अब मैं सी टू की जगह मैं इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, सी टू की जगह में अब मैं इसको लिख सकता हूँ वाई टू प्लस वन प्लस आर इन टू वाई वन माइनस सी वन लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट सी टू का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब हमें निकालनी है कि मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम चेंजेस ऑफ द कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू अ
इनकम, ये हमको निकालना है। और जब भी मैक्सिमम चीज़ें अगर आपको निकालनी होती है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मैक्सिमाइजेशन रूल आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मस्ट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो जस्ट अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, सी वन के रिस्पेक्ट में। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो एल एन सी वन का जब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज़ वन बाय सी वन प्लस प्लस, ठीक है, वाई टू, वाई टू इज़ कॉन्स्टेंट दैट इज़ ज़ीरो, ओके। और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा एल एन वन प्लस आर इंटू वाई वन माइनस सी वन, तो वन प्लस आर तो मेरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वन प्लस, सॉरी बीटा यहाँ पे छूट गया, सॉरी सॉरी, बीटा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो वन प्लस आर, बीटा हम यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं, वन प्लस आर एल एन माइनस सी वन, ठीक है। तो इसको जब अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज माइनस वन बाई सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जस्ट आप इसको रीअरेंज करके, रीअरेंज करके अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर द रीअरेंजिंग, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से वन बाई सी वन इज इक्वल टू माइनस, उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस, तो बीटा वन प्लस आर डिवाइडेड बाई सी टू। तो मैं यहाँ से सी टू इज इक्वल टू सी वन बीटा वन प्लस आर लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं यही चीज़ जो है यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको बजट कंस्ट्रेंट में मैं अब इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ओके, रेड ब्लू, ओके। मैं जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया इस वैल्यूज को इस इक्वेशंस में, ठीक है। तो और ये वाला मेरा क्या था, ये वाला क्या था, C1 वन प्लस सी टू बाय वन प्लस आर इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय वन प्लस आर, ठीक है। अब आपको ये C2 का वैल्यू जो है यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देना है C2 का वैल्यूज, ओके। तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, C1 वन प्लस सी टू का वैल्यू क्या है, C1 वन बीटा वन प्लस आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय वन प्लस आर, वन प्लस आर, वन प्लस आर जो है मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मेरा बचा क्या है यहाँ पे, सी वन प्लस सी वन बीटा इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाय वन प्लस आर बचा, ठीक है, ओके। अब हमको अब सॉरी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी वन कॉमन निकल गया, वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई वन प्लस आर, ओके। अब हमें निकालनी है क्या, चेंजेस इन अ कंजम्पशन पीरियड वन डिवाइडेड बाय चेंज इन द इनकम ऑफ द पीरियड वन, मतलब सी वन और वाई वन के बीच के चेंजेस हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन में ही तो पूछ रखा है। तो मैं चेंजेस निकाल दूँ, दैट इज डेल्टा सी वन कॉन्स्टेंट जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा इक्वल टू चेंज इन वाई वन प्लस, ये तो मैं नहीं निकालना क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टेंट है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज ज़ीरो। तो चेंजेस इन सी वन डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे आ जाएगा चेंजेस बाय वाई इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस बीटा, ठीक है, चाहे आप चेंजेस बोलो या फिर डेल सी बाय डेल वाई, दोनों सेम चीज़ है, इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस बीटा, ठीक है। So the correct option is A. A is a correct option for this particular questions. Okay. Okay. Let's move to the next questions. Okay. 54 questions number. Suppose an investor has specified the following simultaneous equations. Okay. एक equation आपको दे रखी, that is y1 t is equal to alpha 1 0 plus alpha वन टू वाई टू थ्री, ठीक है, आपको ये दे रखी है, दिस 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 दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ओके ओके। एंड वाई वन टी एंड वाई टू टी जो है, वाई वन टी एंड वाई टू टी आपको इंडोजेनस वेरिएबल है, दिस एंड दिस आर द इंडोजेनस वेरिएबल्स, एंड एम टी के टी एंड आई टी दिस आर द
प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स, ठीक है, ये क्या है, प्री डिटरमाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड, ठीक है, और ये मेरा इंडोजेनस और ये एग्जोजेनस, या फिर प्री डिटरमाइंड वैल्यूज है। वाई टी एंड वी टी आर द रेसिडुअल, ये एरर टर्म्स है, वाई एन वी टी आर द रेसिडुअल टर्म। सो बेस्ड ऑन द ऑर्डर कंडीशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इस दो इक्वेशन को देखते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इक्वेशंस वन की तरफ देखें, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ओके ओके, अगर आप इक्वेशंस वन में देखें तो आप इक्वेशन वन में कितनी प्री डिटरमाइंड वैल्यूज दे रखी है, दैट इज टू एम और के, ठीक है, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज जो है दो है, ठीक है, दो प्री डिटरमाइंड वैल्यूज एम और के टी, ठीक है, और टोटल जो है मेरा प्री डिटरमाइंड वैल्यूज कितना है, तीन। सो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये मेरा किसका हम लोगों ने चेक किया, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज का, प्री डिटरमाइंड का। अब हम लोग इंडोजिनस वेरिएबल चेक करते हैं, इंडोजिनस कितनी है, टोटल टोटल आपकी इंडोजिनस, सॉरी थ्री माइनस टू ना, दैट इज टू, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री इज अ टोटल नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड, कितना है, एम के टी, दैट इज थ्री, ठीक है, माइनस और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग अभी हम चेक करें फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे अच्छे से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ केस वन, या फिर केस वन किसका, चेक इक्वेशन वन, ठीक है, वन इक्वेशन का सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक करें, पहला पॉइंट चेक करें प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, ओके, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज टोटल कितने हैं, प्री डिटरमाइंड टोटल तीन, एम के और टी, टोटल थ्री है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में कितने हैं, दो ही तो है, फर्स्ट इक्वेशन में कितने हैं, दो, फर्स्ट इक्वेशन में दो, एम और के ओनली टू ही तो है, तो मैं लिख सकता हूँ थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, ओके। अब मैं इक्वेशन वन का ही जो है एग्जोजिनस वेरिएबल चेक करता हूँ, ठीक है, इंडोजिनस वेरिएबल, इंडोजिनस, ठीक है, इंडोजिनस जब मैं चेक करता हूँ तो इंडोजिनस क्या है, दो ही तो है, वाई टू वाई टी और वाई वन टी और वाई टू टी, दैट इज टोटल टू, ठीक है, टोटल टू, टोटल टू, टोटल टू, बट यहाँ पे कितनी दे रखी है, वन, वन ही तो है, दैट इज टू माइनस वन, वन, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा मैच कर गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मेरा मैच कर गया। उसी तरह से अब मैं केस टू लिखूंगा यहाँ पे, अब मैं चेक करूंगा क्या, चेक इक्वेशन टू, इक्वेशन टू का मैं अब चेक करूंगा क्या, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, ठीक है, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज टोटल कितने, थ्री माइनस प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, यहाँ इक्वेशन टू में कितने दे रखे हैं, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, तो थ्री माइनस वन दैट इज टू, ओके। अब मैं इसका चेक करूँगा इंडोजिनस वेरिएबल, इंडोजिनस वेरिएबल टोटल कितनी है, टू, और इस इक्वेशन में वन, तो ये तो मैच नहीं हुआ ना, ये मैच नहीं हुआ, ये दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, दोनों मैच होना चाहिए, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन वन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड बट टू इज ओवर ओवर आइडेंटिफाइड हो गया, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। तो जब भी इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस दिखे आइडेंटिफिकेशन एंड ओवर आइडेंटिफिकेशन, तो आप ये रूल वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, ओके। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दे रखी है कि देर आर टू रीजन इन अ कंट्री, ओके, द डिमांड फॉर चॉकलेट इन रीजन वन इज बाय दिस, आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, द डिमांड फॉर द चॉकलेट इन रीजन वन, रीजन वन में चॉकलेट की डिमांड ये है, और रीजन टू में जो है चॉकलेट की डिमांड ये दे रखी हुई है, ठीक है, डिमांड फॉर चॉकलेट इन रीजन वन एंड टू एट अ प्राइस पी,
प्राइस पी पी यहाँ पे भी रीजन वन में भी जो प्राइसेस पी है और रीजन टू में भी जो प्राइसेस पी है. सो देयर इज द ओनली वन सेलर हु इज लाइसेंस टू सेल चॉकलेट इन द कंट्री. ओके वन सेलर इज लाइसेंस टू सेल चॉकलेट इन द कंट्री. सपोज द सेलर सेट अ प्राइस 125. अगर सेलर्स प्राइस को सेट करता है कितना 125, तो सपोज कि अगर प्राइसेस इन्होंने 125 रुपीज सेट किया तो रीजन वन, अगर मैं रीजन वन का चेक करूं तो रीजन वन में डिमांड क्या है, क्यू वन इज इक्वल टू 100 माइनस पी 100 माइनस, अगर पी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बैठाया 125, इट विल गिव यू -25. भाई डिमांड नेगेटिव, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई डिमांड नेगेटिव है. तो रीजन वन विल नॉट ऑपरेट, ओनली द रीजन टू विल ऑपरेट इन द गिवन मार्केट्स. ओके, तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो है मेरा मार्केट टू ही जो है सेल कर पाएगा, रीजन वन जो है सेल नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि डिमांड जो है, जब मैं प्राइसेस 125 में जब पुट कर रहा हूँ इन द रीजन वन ऑफ द डिमांड फंक्शंस, देन इट विल गिव्स अ नेगेटिव डिमांड. सो देयर इज नो सेंस और देयर इज नो मीनिंग फॉर द नेगेटिव डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ठीक है भाई, नेगेटिव डिमांड ही क्या होता है, नेगेटिव डिमांड. ठीक है, तो अब मैं रीजन टू मेरे पास बचा ओनली, तो अब मेरा बचा रीजन टू ओनली इन द मार्केट. ओके, ऑन द मार्केट. ओके, तो क्यू टी की क्यू टू जो है, क्यू टू क्या दे रखा है, दैट इज 200 माइनस 200 प्राइसेस, और प्राइसेस की वैल्यूज कितने 125. तो जब मैं इसको पुट किया तो इसकी वैल्यूज आपको आएंगे 75. ओके 75. तो हमसे पूछा क्या गया है कि टोटल डिमांड फॉर द चॉकलेट. तो डिमांड फॉर द टोटल डिमांड हमें क्या निकालना है, टोटल डिमांड फ्रॉम द रीजन वन का कितना टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय रीजन टू. तो रीजन वन का डिमांड तो 0 प्लस रीजन टू का डिमांड कितना 75. सो द आंसर विल बी अ 75. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. या दिस क्वेश्चंस, अ प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज बाय यूजिंग द टेक्निक वन एंड टेक्निक टू. ओके, सो द कैपेसिटी इन एम्फियर आवर्स ऑफ 12 रैंडमली सिलेक्टेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द टेक्निक वन आर. ठीक है, तो टेक्निक वन्स को यूज़ करके जो है बैटरी को उसके रैंडम सैंपल्स लिया गया, कितना 140, 132. ओके, ये 10 and 12 रैंडमली सिलेक्ट किया गया और ओके बैटरीज मैन्युफैक्चर बाय द टेक्निक वन. उसी तरह से टेक्निक टू का इस्तेमाल किया गया और उसमें 14 रैंडम सैंपल को उठाया गया. ओके दिस इधर रखिए. Suppose that the battery capacity manufactured by the using technique 1 and technique 2 are normally distributed, ठीक है, with an unknown mean of this mu 1 and mu 2 respectively in an unknown common variance sigma square. Okay, so consider the null hypothesis H naught is equal to the mean of the technique 1 minus mean of population mean of the technique 2 is equal to gamma ampere hours. So for which of the following values of a gamma should be the null hypothesis H naught be accepted against the alternate hypothesis amperes this at a 10% level of significance. This significance you have to use a total test. Okay. Or H naught jo hai एक्सेप्टेड तभी होगा अगेंस्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हेन एच वन इज नॉट इक्वल टू दिस. दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस, दिस इज अवर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ओके, कितने लेवल ऑफ परसेंटेज पे, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरर पे, मतलब 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. ओके, नोट दैट इफ जेड इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन 1.282 इज दिस. Probability of Z is less than equal to 1.645 is this, Z is this. Further, if a random variable T follows T distribution, सबको use करना है, with a degree of the freedom, alpha is a percentile of this, सबको दे रखा है, कुछ values आपको यहाँ दे रखा है, तो basically आपको find out करना है, okay? तो देखो, इस questions को आप as a
शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे टू टेल टेस्ट में जो है, वन टेल टेस्ट, तो सबसे पहले मैं इसको वन टेल टेस्ट से यूज करता हूँ, ठीक है, वन टेल टेस्ट। तो जब भी, और मुझे इस क्वेश्चंस में जो है बेसिकली निकालना क्या है, देखिए अब क्या पूछ रखा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा शुड बी द नल हाइपोथेसिस एच नॉट बी द एक्सेप्टेड, एच नॉट बी द एक्सेप्टेड, ओके ओके सो ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो जब मैं, मेरे पास टेक्निक वन है, टेक्निक वन में आपको कितने 12 सैंपल दे रखी है, 12 सैंपल के आपको वैल्यूज भी दे रखी है, ठीक है। तो जब मैं इसका मीन निकाला, ठीक है, जो भी वैल्यूज दिया हुआ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स, तो जब मैं इसका मीन निकाला तो इसका मीन 143 आया, ठीक है। उसी तरह से जब मैं टेक्निक टू को यूज़ किया और इसमें 14 सैंपल दिया हुआ था, और इस 14 सैंपल का जब मैं मीन निकाला तो इसकी वैल्यूज आपकी 135.78, ठीक है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, ओके। और मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.10, ओके ओके। सो द जॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे रखी है, 9.9, ओके 9.9 अप्रॉक्सीमेट, ओके 9.9 आई थॉट, या 9, या सो द वैल्यूज ऑफ द गिवन इज, जस्ट अ मिनट, ओके न्यू, वेयर इज द वैल्यूज ऑफ द जॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो द जॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन्स वैल्यूज इज अप्रॉक्सीमेटली 9.9, ओके। सो आई होप, वन सेकेंड, ओके फर्दर इफ रैंडम वेरिएबल टी फॉलोज द टी डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आर, अल्फा इज दिस वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड आर इज गिवन बाय दिस, ओके मीन्स यू हैव टू यूज द टी वैल्यूज, ओके टी वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं अपर डिविएशंस निकाल दूँ कि मेरी अपर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मतलब अपर लिमिट, अगर मैं अपर लिमिट के बारे में बात करूँ तो अपर लिमिट ऑफ वाई कितने होंगे, 9.9 इंटू, अगर मैं 10% ऑफ लेवल यूज करता हूँ दैट इज 1.282, तो मुझे इसकी वैल्यूज मिलेंगे 12.7, ठीक है 12.7, मुझे 12.7 से कम, लेस देन इक्वल टू दिस। तो इससे लेस देन इक्वल टू वैल्यूज क्या क्या है, 4 भी है, 7 भी है, 10 भी है। सो ऑप्शन ए बी सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। डी ने, क्योंकि डी जो है 12 है, फॉर द वन पर्टिकुलर, फॉर द वन टेल टेस्ट, ओके वन टेल टेस्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यूज जो है मुझे 12.7 से लेस देन इक्वल टू ना, क्योंकि 12.7 से अगर कम होंगे तब मेरे एच नॉट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो 12.7 से 4 भी कम है, 7 भी कम है, और 10 भी कम है 12.7 से। ऑप्शन ए बी सी आर द करेक्ट ऑप्शन, ओके या ओके फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके वन सेकेंड जस्ट, ओके। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके ओके। लेट मूव्स टू द क्वेश्चन नंबर 57, ओके या सो टॉम एंड जेरी बोथ अराइव एट अ पेट्रोल पंप, ओके दोनों अराइव करते हैं पेट्रोल पंप पे विदाउट वरिंग अबाउट द प्राइसेस। टॉम सेज के आई वांट 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। टॉम क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए, आई वांट 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब ये किस चीज के बारे में बात कर रही है, क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। ऑल्सो और ये प्राइसेस के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता, विदाउट वरिंग अबाउट द प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस जितना भी रहे लेकिन मुझे 10 लीटर्स खरीदना है, कौन बोल रहा है, टॉम। वैसे ही विदाउट वरिंग अबाउट द प्राइस जेरी बोल रहा है कि नहीं नहीं यार, मुझे एटलीस्ट जो है 1000 रुपये वर्थ की पेट्रोल खरीदनी है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये वर्थ के बारे में बात कर रहा है, रुपये के बारे में, कि भाई मुझे 1000 रुपये के पेट्रोल मुझे खरीदनी है, चाहे प्राइसेस बढ़े घटे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे 1000 रुपये के पेट्रोल खरीदना है,
जेरी बोल रहे हैं, लेकिन टॉम क्या बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो है मुझे चाहिए, 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मुझे चाहिए, चाहे वो कितने भी ओके या सो जेरी जो है बोल रहा है कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल चाहिए, और टॉम बोल रहे कि नहीं मुझे 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए एनी हाउ, चाहे प्राइसेस कितने भी फ्लैक्चुएट हुए। ठीक है, तो अब मुझे बतानी है कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द डिमांड फॉर द टॉम एंड जेरीज जो है क्या होंगे, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी मुझे निकालनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉम जो है बेसिकली क्वान्टिटीज़ के बारे में बात करता है, और डिमांड जो है इसका वर्टिकल होगा, क्योंकि डिमांड जो है इसका क्या 10%, मतलब भाई डिमांड इसका चेंज ही नहीं हो रहा है, भाई मुझे 10 चाहिए तो 10 चाहिए। और इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो होता है ना ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं टॉम का देखूं तो टॉम क्या बता रहा है कि भाई मुझे 10 चाहिए ही चाहिए, मुझे 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, मतलब कि अगर मैं इसके चेंजेस निकालूं कि भाई इसका डिमांड में कितनी चेंजेस है, दैट इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई कि प्राइस चाहे कितने भी रहे मुझे 10 चाहिए। ठीक है, तो मैं हर हमेशा ही 10 को लूँगा, पीरियड 1 में भी 10, पीरियड 2 में भी 10, 10 10 सीधे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो अगर मैं इसके चेंजेस अगर निकालूंगा तो चेंजेस क्या, जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएंगे, टॉम का जीरो, टॉम का जीरो। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं जेरी की इलास्टिसिटी के बारे में बात करूं तो जेरी का क्या कि वर्थ ऑफ 1000 रुपया जो है उसको फिक्स है कि भाई वो 1000 रुपया खर्च करेगा ही करेगा, मतलब उसकी एक्सपेंडिचर फिक्स है। ठीक है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, और जब भी एक्सपेंडिचर फिक्स होती है तो उसकी इलास्टिसिटी जो है 1 होंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी 1 होंगे, क्योंकि बिकॉज द चेंज इन द प्राइस, क्योंकि प्राइसेस जितने से चेंज होंगे एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे उसके क्वांटिटी डिमांड से। ठीक है, तो ऑप्शंस बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएंगे, 1, मतलब क्योंकि डिमांड और प्राइस क्या नेगेटिवली रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो है साइन आपको इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके ओके, लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर पुश्ड अपवर्ड बाय द सिग्नोलॉजी। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, क्या फॉलोइंग वेरिएबल्स जो इफेक्ट, फॉलोइंग वेरिएबल्स आर पुश्ड अपवर्ड बाय द सिग्नोलॉजी। तो यार देखो, फर्स्ट अगर हम देखें कि मनी सप्लाई, या बिल्कुल, क्योंकि सिग्नोरिस जो है इज द रेवेन्यू जनरेट बाय द, सपोज इफ वी क्रिएट अ मनी सप्लाई, सो हिंस इट विल बी डेफिनेटली इंक्रीज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को तो बढ़ाएगा ना यार, अगर जब हम लोग प्रिंटिंग करेंगे न्यू मनी, ठीक है, और जब वो न्यू प्रिंटिंग मनी जब इकोनॉमी में आएंगे तो वो क्या मनी सप्लाई को क्या कर देंगे, कुछ अपवर्ड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी को लगा होगा कि इन्फ्लेशन भी सही है, लेकिन नहीं, इन्फ्लेशन बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि सपोज करो कि अगर आप रिसेशन सिचुएशन में हो, ठीक है, रिसेशन, तो रिसेशन में क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड ऑलरेडी खुद लो होती है। अगर मैं प्रिंटिंग न्यू मशीन अगर इस कंडीशन में डालूंगा तो मेरा आउटपुट यहाँ पे बढ़ेगा, प्राइसेस फॉल होंगे, आउटपुट की तरफ मैं ज़्यादा शिफ्ट होऊंगा। ठीक है, आउटपुट की तरफ, ना कि मेरी इन्फ्लेशन जो है बढ़ेंगे, तो ये तो नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं, तो ओनली वन ही जो है वो अपवर्ड पुश होगा, इन्फ्लेशन तो नहीं। ठीक है, टैक्स रेट तो ऑलरेडी इंक्रीज होंगे, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए जो है इसका पर्टिकुलर करेक्ट आंसर है। ओके, 58 के। ओके, लेट मूव्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, सपोज राजू इंटर्स द जॉब मार्केट्स एट ए एज ऑफ 25 में जो है वो इंटर करता है, अर्न एनुअल इनकम ऑफ ₹6000 जो है वो एनुअल इनकम कमाता है, ही रिटायर एट ए एज ऑफ 65। ठीक है, राजू नाम का एक व्यक्ति है, वो मार्केट में कब एंट्री मारता है, एट ए एज ऑफ 25 में। सपोज दिस इज राजू,
राजू कब मार्केट में एंटर किया? 25 में, एट एज ऑफ 25। और एज ऑफ पे रिटायर कब हुआ जॉब से, या फिर सपोज करो उस मार्केट से जब रिटायर कब हुआ उस जॉब से, एट एज ऑफ 65 में ये रिटायर हो गया। लेकिन वो जीता है कितने साल तक, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 75 ईयर्स का उसकी एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी 75 ईयर्स है, ठीक है। ही डज नॉट नो ओन एनी एसेट्स, उसके पास कोई एसेट्स नहीं है। एज्यूम दैट द राजू कंज्यूम एनुअल इनकम इन यूनिफॉर्मली ओवर दिस लाइफ टाइम, ओके, वट विल बी हिज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ड्यूरिंग दिस एम्प्लॉयमेंट ईयर्स। तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी, ओके, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज टोटल टाइम टू अर्न डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू कंज्यूम, टोटल टाइम टू कंज्यूम। तो टोटल टाइम टू अर्न, तो ये जो राजू था ये कब का कमा रहा था, किस पीरियड्स के बीच में, दिस पीरियड्स के बीच में वो कमा रहा था ना, क्योंकि 25 में एंट्री किया और 65 तक काम किया, फिर 65 में वो रिटायर्ड हो गया, तो इतने में तो अर्न किया, तो 65 माइनस 25, ठीक है, दिस पीरियड, और टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम दिस इन्होंने कंज्यूम किया, 75 माइनस 25। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आप क्या आ जाएंगे, 0.8, जो कि ऑप्शन बी से जो है मेरा मैच कर गया, ओके। सो 59 के लिए पर्टिकुलर जो इसका आंसर है, आंसर नंबर बी से करेक्ट ऑप्शन, ओके ओके। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन आपको बता रखा है कि एक मोनोपलिस्ट फेसेस द फॉलोइंग इनवर्स डिमांड फंक्शन, दैट इज पी इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू, वेयर द पी डिनोट द प्राइस एंड क्यू डिनोट्स द क्वांटिटी। अ मोनोपलिस्ट हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5 per unit of output produced. The monopolist aim to maximize the profit. Suppose the government imposes a tax of 5 per unit of outputs on the monopolist. As a result, the price charged by the profit maximizing monopolist to the consumer is increasing by what amount? Okay. Okay. So let's solve these questions. Okay. ओके तो मुझे डिमांड फंक्शंस क्या दे रखी है, इनवर्स डिमांड फंक्शंस मुझे दे रखी है क्या, प्राइस इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू मुझे दे रखी है। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूँ, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइसेस क्या है 40 माइनस क्यू इंटू क्यू, तो ये मेरा क्या हो गया 40 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से जब मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालता हूँ तो जस्ट डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू दैट इज 40 माइनस 2 क्यू, ओके ओके। और टैक्स से पहले मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 5, ओके ओके। सो और मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट मेरा 5 दे रखी है बिफोर द टैक्स, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशंस क्या होती है, एम आर इक्वल टू एम सी, दैट इज अ मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस फॉर द फर्म, ओके, एम आर इज इक्वल टू एम सी, सो यू जस्ट हैव टू पुट दिस, सो 40 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू एम सी इज व्हाट, 5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो Q के वैल्यू क्या आएंगे, 17.5 आ जाओगे, जस्ट सॉल्व इट, 17.5। और प्राइसेस जो है, जब Q के वैल्यूज आप पुट करेंगे यहाँ, तो प्राइसेस आपको कितने मिलेंगे, 22.5, ओके। ये मेरा क्या हो गया, बिफोर टैक्स, ओके। अब हम देखते हैं कि आफ्टर टैक्स क्या होता है, ये मेरा क्या था, बिफोर टैक्स था, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर टैक्स की, आफ्टर टैक्स में कितने चेंजेस आए। तो आफ्टर टैक्स के बाद मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाती है, 10 रुपीज़। क्वेश्चन में दे रखी है कि मार्जिनल कॉस्ट जो इंक्रीज हो जाती है 5 से,
इम्पोजेज अ टैक्स, फाइव टैक्स मेरा दे दिया, तो पहले कितना था, 5 + 5 दैट इज 10 ना, 10 + 5 + 5 = 10, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 10, ओके या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 10। अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम था, मार्जिनल रेवेन्यू मेरा क्या था, दैट इज 40 - 2Q, जस्ट इक्वल MR इज इक्वल टू MC, इसको इक्वल करो, MR इक्वल टू MC, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 40 - 2Q, 2Q है ये, ठीक है, 2Q इज इक्वल टू 10, तो जब आप यहाँ पे Q का वैल्यू आपको मिलेगा आई थिंक 15, और जब आप Q के वैल्यूज पुट करेंगे तो प्राइसेस यहाँ पे जब Q के वैल्यूज पुट करेंगे ये वाला, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कितने, 25, ठीक है 25। सो बिफोर टैक्स मेरा प्राइसेस कितना था, 22.12, लेकिन आफ्टर टैक्स जो है मेरा प्राइसेस कितना हो गया, 25 हो गया, तो जब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने से चेंज हुआ, दैट इज 2.5, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओके या सो लेट्स मूव। सो इसमें बेसिकली आपको दो सिचुएशन चेक करना है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है, जस्ट एंड इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट कंडीशन आपको यूज करना है एंड जस्ट यू विल गेट द आंसर, ओके, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 61। In a flexible exchange rate environment with a perfect capital mobility, a fiscal stimulus will be linked to which of the following statement? ठीक है, which of the following statement आपको दे रखी है, flexible exchange rate with a perfect capital mobility, perfect capital mobility, ठीक है, perfect capital mobility, तो मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूँ like this, okay? सो परफेक्ट मोबिलिटी केस में मेरी क्या होती है, आई इज इक्वल टू फिक्स होती है, आई इज इक्वल टू आई स्टार, एंड दिस इज माई LM कर्व एंड दिस इज माई IS कर्व, ओके। लेकिन अगर मुझे निकालना क्या है कि स्टिमुलस विल बी लिंक टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, फिजिकल स्टिमुलस जो है कौन से इक्वेशन से ये लिंक्ड है, ओके, लिंक्ड जो है किससे है, ओके। अगर मैं इक्वेशन बी की बात करूं, ठीक है, तो देखो अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया, अगर फिस्कल पॉलिसी लेके आया, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स किया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ये वाला इक्वेशन था ना, इक्विलिब्रियम y = c + i + g, अगर जी अगर बढ़ा, ठीक है, तो मेरे आईज कब क्या होंगे, शिफ्ट होंगे टुवर्ड द आउटसाइड, ये मेरा आउटसाइड आईएस कर्व मेरा शिफ्ट हो गया यहाँ, और जैसे ही आईएस कर्व शिफ्ट हुआ तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट मेरा आई डैश हो गया, पहले इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम था, आउटपुट मेरा यहाँ था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा एज वेल एज मेरी आउटपुट भी जो है वाई से वाई डैश हो गया, लेकिन जैसे ही गुड्स मार्केट आईएस कर्व आपको गुड्स मार्केट के बारे में जो है बताती है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो है मनी मार्केट्स में काफ़ी जो है हलचल हो गया कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो इन्वेस्टर्स है अब तो जो है वो लोन लेगा नहीं, जब लोन लेगा नहीं तो बिजनेस जो है अब प्रोडक्शंस करेंगे नहीं, जब प्रोडक्शंस नहीं होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, तो अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट, फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है, गुड्स मार्केट के लिए तो ठीक है, लेकिन मनी मार्केट्स भी तो साइमल्टेनियसली जो है आईएस एंड एलएम जो है साइमल्टेनियसली वर्क होता है ना, तो आईएस का तो ठीक है कि भाई चलो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा एज वेल एज मेरा आउटपुट भी बढ़ा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कोई भी फर्म्स लोन लेके अपने प्रोडक्शंस को नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जब इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो भाई क्यों कोई फर्म्स जो है प्रोड्यूस करेगा, और जब प्रोडक्शंस नहीं होंगे तो फिर मेरे आउटपुट जो है फॉल हो जाएंगे, ठीक है, आउटपुट जो है मेरे फॉल हो जाएंगे, मतलब एक कम बैक टू दिस, तो यहाँ पे मेरा फिस्कल पॉलिसी जो है क्या डज नॉट इंक्रीज द डोमेस्टिक आउटपुट, सो यस बी इज द करेक्ट ऑप्शंस, ओके, फिस्कल पॉलिसी लीड टू एक्सपोर्ट फॉल, या क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ा तो मेरी एक्सपोर्ट भी फॉल हो गया, क्योंकि एप्रिशिएशन हो गया, ओके, एप्रिशिएशन, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट,
है, और डी की बात करूं तो फिजिकल पॉलिसी अप्रिशिएट द डोमेस्टिक करेंसी, यस एग्जैक्टली, ठीक है, सो बी सी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द 61 क्वेश्चंस, ओके, या सो लेट्स मूव टू द 62 क्वेश्चंस. कंसीडर लॉटरी विद टू पॉसिबल आउटकम्स, रुपीज 100 विद प्रोबेबिलिटी 0.6, रुपीज 50 विद प्रोबेबिलिटी 0.4. अ मैक्सिमम अमाउंट दैट अ रिस्क न्यूट्रल पर्संस वुड बी विलिंग टू पे टू प्ले द अबव लॉटरी इज इक्वल टू रुपीज 1. ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि रिस्क न्यूट्रल पर्संस के बारे में बात की जा रही. तो रिस्क न्यूट्रल पर्संस की जब उसके एक्सपेक्टेशंस निकालता हूँ, उसकी एक्सपेक्टेशन अगर मैं दोनों को निकालता हूँ, दैट इज 100 इंटू मीन, अगर इसकी वैल्यू निकालूँ तो 100 इंटू 0.6 प्लस 50 इंटू 0.4. तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 80s आएंगे, तो न्यूट्रल पर्सन एट 80s पे ही रहेंगे. अगर वो रिस्क एवर्स होता तो लेस देन 80 पे जाता, रिस्क लवर होता तो ग्रेटर देन 80 पे जाता. तो मुझे पूछा क्या रिस्क न्यूट्रल, तो इज इक्वल टू 80. ओके, क्वेश्चन नंबर 63. मिस्टर शर्मा, कंजम्पशन प्रिफरेंसेस ऑफ टी डिनोटेड बाय द एक्स, शुगर डिनोटेड बाय वाई, मीन फंक्शन, मतलब ये मेरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पीसी. ओके, जस्ट वेट, या ओके, या मीन फंक्शन जब भी दिया हुआ रहता है तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ठीक है. और द प्राइस ऑफ अ टी इज, मतलब एक्स की प्राइसेस मेरी कितनी है 10, और प्राइसेस ऑफ द शुगर मतलब वाई की मेरी प्राइसेस 10, दोनों के प्राइसेस या 10 10 है. मिस्टर शर्मा टोटल इनकम इज 900, तो बताओ कि उसके ऑप्टिमल टी की जो है डिमांड क्या है, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ द टी परचेज बाय मिस्टर शर्मा इज इक्वल टू इन व्हाट अमाउंट. ओके, सो जब भी मीन फंक्शंस होती है, ठीक है, यू इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स टू वाई, तो ये एक्स इज इक्वल टू टू वाई, दैट इज द कंडीशन फॉर द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना, कि दोनों सेम क्वांटिटीज में कंज्यूम करें एट अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इक्वेशंस की जो कंडीशंस होती है यही होती है, एक्स इज इक्वल टू टू वाई. ओके, एक्स इज इक्वल टू टू वाई. अगर मैं इसकी बजट कंस्टेंट लिखता हूँ, बजट कंस्टेंट क्या होता है, पी वन एक्स वन प्लस, या फिर एक्स वन नहीं, मैं यहाँ पर ओनली एक्स लिखता हूँ, ठीक है, ओनली एक्स, पी वन एक्स प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू एम इज अ इनकम. पी वन कितना है एक्स का, ये एक्स की प्राइसेस है और ये वाई की प्राइसेस है. सो एक्स की प्राइसेस में कितनी लिख सकता हूँ, 10 एक्स प्लस पी टू भी 10 वाई इज इक्वल टू इनकम कितनी है मेरी 900, 10x प्लस 10. वन सेकेंड जस्ट, और एक्स इज इक्वल टू टू वाई, दैट इज अ कंडीशंस ना, ठीक है. तो मैं यहाँ से ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10x के जगह में 2y लिख सकता हूँ, प्लस 10y इज इक्वल टू 900. अब मैं यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो y के वैल्यूज आपको आएंगे कितने, y के वैल्यूज जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक y के वैल्यूज आपको आते हैं 30 आएंगे, ठीक है. और जब ये y के वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, मेरा x की वैल्यू क्या है, x इंटू टू वाई, दैट इज 2 इंटू 30, दैट इज 60. तो आपको पूछा क्या है टी, और टी मेरा क्या है x, तो इसकी वैल्यू 60 है इज द आंसर. ओके, बस आपको ये याद रखना है कि यूटिलिटी ऑफ द मीन x टू y, ये क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, कि x इज इक्वल टू टू वाई, यहाँ पे कुछ भी रहे ये दोनों आपस में बराबर होगा. तो मैंने जस्ट बजट कंस्टेंट लिखा, और बजट कंस्टेंट में मैंने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद मुझे एक्स स्टार मिल गया, वाई स्टार मिल गया. तो मुझे पूछा है कि एक्स स्टार की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्टार की वैल्यू 60 है, टी की डिमांड, तो इसकी वैल्यू मिली टी, जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. ओके ओके, सपोज अल्फा इज अ रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, रोहित इज चूजिंग एक्स एंड वाई टू मैक्सिमाइज द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शंस.
एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर अल्फा स्क्वायर प्लस एट अल्फा प्लस टेन और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन और एक्स वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. सो द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ वाई चूजेड बाय द रोहित इज व्हाट अमाउंट. ओके, इसकी अमाउंट कितनी होगी. तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है. यूटिलिटी फंक्शन आपको ये दे रखी है. ओके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ रेड. ओके या तो जब भी अगर आपको ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यूज होता है. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मीन्स जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होता है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. तो मैं एक बार निकालता हूँ डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का है मेरा यहाँ है और इसको अगर जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज टू एक्स, और इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज टू आई. यहाँ पे भी एक्स नहीं तो कॉन्स्टेंट ट्रीट एज अ जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई अगर यहाँ पे निकालेंगे दैट इज टू वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सेम आएंगे. ठीक है, तो मैं इसको जस्ट थोड़ी सी रीअरेंज कर लेता हूँ. ओके, सो अगर मैं इसको वाई के साथ रिस्पेक्ट करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा दैट इज टू एक्स, और वाई स्क्वायर को दैट इज टू वाई इज इक्वल टू जीरो. दैट इज अवर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एफ ओ सी. ओके या तो आप ये दो इक्वेशन को देखें ध्यान से, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होंगे, x और y की क्या क्या वैल्यूज होंगे ताकि मेरा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड है. कब? जब कंडीशन एक क्या है कि जब x भी जीरो हो और y भी जीरो, तो ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड है. x जीरो y जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, पहला केस. दूसरा केस कब सेटिस्फाइड है, जब मैं y की वैल्यू माइनस x पुट कर दूं. तो y की वैल्यू जब मैं माइनस x पुट करूंगा दैट इज माइनस टू एक्स, सो टू एक्स माइनस टू एक्स दैट इज जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू जीरो, LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, सो ये दो कंडीशंस पे जो है मेरा जो है ये दोनों जो है सेटिस्फाइड कर रहा है. ठीक है, पहली बात. ओके या ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. या तो अब मैं बजट कंस्टेंट को देखता हूँ. बजट कंस्टेंट मेरी कितनी है, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो मैं अगर केस टू, ये मेरा केस टू है, दैट इज केस वन, अगर केस टू अगर मैं पुट करता हूँ, क्योंकि मैंने निकाला ना कि y का वैल्यू माइनस x, जब अगर माइनस x होगा तो ये मेरा सेटिस्फाइड कर जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ y इज इक्वल टू माइनस x इसकी वैल्यूज हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है उसकी रूट से. ठीक है, तो मैं y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, माइनस x, सो 2x माइनस x इज इक्वल टू 10, सो x की वैल्यूज 10. ओके या x की वैल्यूज 10. ठीक है, ओके, पहली बात. फिर अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यूज अगर जीरो होंगे, अगर x की वैल्यूज जीरो होंगे, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि x की वैल्यू जीरो भी सेटिस्फाइड है और u की वैल्यू माइनस एक्स वाई भी जो है सेटिस्फाइड है. तो मैंने जब माइनस वाई जो पुट किया x की जगह में, तो मुझे x की वैल्यू 10 मिली. अब मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में, इस यूटिलिटी में x भी मैंने सेटिस्फाइड कर रहा है. तो मैं x एक बार जीरो लेके पुट करता हूँ. तो जब यहाँ पे इस इक्वेशन में जब मैं जीरो पुट किया, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो वाई इज इक्वल टू कितनी आ रही है, 10. तो यही तो मेरी ऑप्टिमल वैल्यूज बोल रहा है ना, वाई का कितना है, दैट इज 10. ठीक है, दैट इज 10. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 64 क्वेश्चन इज 10. ओके, नहीं तो कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक कोई डाउट. अगर आपको कोई डाउट हो रही तो एक बार प्लीज फिर से इसको जो है रिमाइंड करके देख लीजिए. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन. ओके,
इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट फॉर द ड्राई क्लीनिंग इनवर्स मार्केट डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय दिस पी इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू पी डिनोट द प्राइस एंड क्यू डिनोट द क्वांटिटी ओके और द मार्जिनल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन फॉर ऑल द डर्टी क्लीनिंग फर्म्स टुगेदर इज गिवन बाय दिस मार्जिनल कॉस्ट हमें ये दे रखी है इनवर्स डिमांड फंक्शन मुझे ये दे रखी है अब मुझे निकालना है कि तो मार्केट पॉल्यूशन जनरेटेड बाय द ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ ऑल द फर्म्स क्रिएट एन एक्सटर्नल डैमेज गिवन बाय द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ठीक है इस ये जो प्रोसेस जो क्लीनिंग इससे जो है पोल्यूशन जो है क्रिएट होती है और पोल्यूशन क्रिएट से जो मुझे मार्जिन जो सोसाइटी को जो मार्जिन एक्सटर्नल कॉस्ट जो बियर आउट करना पड़ता है दैट इज कितना 2Q ओके ऑल द फर्म्स फर्म्स को जो है क्रिएट एन एक्सटर्नल डैमेज एंड गिवन बाय द मार्जिन एक्सटर्नल कॉस्ट इसको लगता है क्योंकि उस पोल्यूशन से ठीक है उस पोल्यूशन से जो है इसकी मार्जिन एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है 2Q तो आपको बताना है कि सोशल एफिशिएंट आउटपुट ड्राई क्लीनिंग इज व्हाट ठीक है सोशल एफिशिएंट आउटपुट आपको कितना होगा ठीक है ओके तो टोटल सोशल मार्जिनल कॉस्ट अगर मैं बात करूं कि टोटल सोशल मार्जिनल कॉस्ट मेरे जो खुद की फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट है प्लस MEC ठीक है दोनों का ऐड क्योंकि अगर इसको अगर हम ऐड करेंगे अपने मार्जिनल कॉस्ट पे तभी ये मेरा सोशल मार्जिनल कॉस्ट बनेगा अदरवाइज नहीं ठीक है सोशल का मतलब होता है ऑल ना सारी मार्जिनल कॉस्ट पर ऐड करें सो MC प्लस MEC ओके सो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चंस में दैट इज 20 प्लस 2Q ये मुझे मार्जिनल कॉस्ट और प्लस MEC कितना 2Q तो जब इसको मैं सॉल्व 20 प्लस 4Q ओके दैट इज सोशल मार्जिनल कॉस्ट ठीक है सोशल मार्जिनल कॉस्ट ओके और ये मेरा फर्म क्या है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म्स है ओके दे रखी ना कॉम्पिटेटिव फर्म और कॉम्पिटेटिव फर्म्स कहाँ पे ऑपरेट करती है दैट इज प्राइस इज इक्वल टू MC पे ऑपरेट करती है ना ये और प्राइसेस मुझे कितने दे रखी है 100 माइनस क्यू दे रखी है क्वेश्चन में इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल कॉस्ट सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या है 20 प्लस 4Q तो जस्ट आप इसको सॉल्व करो कि क्यू की वैल्यू आपके 16 आ जाएंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज 16 ओके 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 डन सो मैंने गेट IIT 2022 का मैंने एक सारा एक दो पार्ट में पार्ट वन में मैंने 1 से लेकर 45 तक का रखा है और पार्ट टू मेरा ये है जो कि 45 ऑनवर्ड्स मतलब 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक है ठीक है तो आई होप कि आपको ये सीरीज काफ़ी समझ आई होगी ठीक है तो एटलीस्ट अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप एटलीस्ट कमेंट कर सकते हैं ठीक है और एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है ओके थैंक यू सो मच